इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप सैमसंग के मोबाइल फोन में फोटो को डिलीट कैसे कर सकते हैं या फिर इमेज को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सामने सैमसंग मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर वाले एप्लीकेशन में जाना है। फाइल मैनेजर में एप्लीकेशन में आएंगे तो इसमें आपको यहाँ एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके फोन में जितने भी इमेज होंगे तो वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। अगर आप यहाँ स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट वाला इमेज आ जाएगा, कैमरा पर क्लिक करेंगे तो कैमरा वाला इमेज आ जाएगा, तो जितना भी इमेज होगा वो आ जाएगा। अब जिसको भी डिलीट करना है उस पर एक बार आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ डिलीट पर क्लिक कर देंगे, फिर आप यहाँ मूव फाइल टू ट्रैश पर क्लिक कर देंगे वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सभी फोटो को एक साथ डिलीट करना है तो आप किसी एक पर फिंगर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको और जिस चीज को भी सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ऊपर आप यहाँ डिलीट वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ मूव टू फाइल टू ट्रैश पर क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप सैमसंग के मोबाइल फोन में फोटो या फिर इमेज को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।